हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू बलराम फोटोग्राफी। दोस्तों आज मेरे पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है आप लोगों को दिखाने के लिए, जो कि एक 150x जूम का एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप लेंस। वैसे तो ये एक टेलीस्कोप है, बट इसे आप अपने फोन के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो, और फोन के साथ कनेक्ट करते हुए आप दूर की चीजों को देख सकते हो या फिर इनके फोटोज और वीडियोस कैप्चर कर सकते हो, कुछ इस तरीके के। इसको टेस्ट करने के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, बिकॉज ये एक 150x जूम टेलीस्कोप है। मतलब इतना ज्यादा जूम तो अभी तक S23 अल्ट्रा में भी नहीं आया है, तो इसको टेस्ट करने के लिए मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। होप आप भी होंगे। आप जल्दी से इसको अनबॉक्स करते हैं, उसके बाद देखते हैं इसको टेस्ट करके ये किस क्वालिटी में फोटो वीडियो कैप्चर कर सकता है। ऑलराइट, सो ये वाला है 150x टेलीस्कोप लेंस का बॉक्स। नाउ इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। So, इस बड़े से बॉक्स के अंदर हमें तीन छोटे छोटे और बॉक्सेस मिलते हैं, इनको भी खोल लेते हैं एक एक करके। फर्स्ट वाले बॉक्स के अंदर हमें मिल जाता है हमारा मेन यूनिट, जो कि है ये 150x टेलीस्कोप। इसको साइड में रखते हैं। सेकंड वाले बॉक्स में हमें सबसे पहले मिल जाता है ये मोबाइल होल्डर, जिसके ऊपर हम अपने फोन को लगा करके टेलीस्कोप के साथ फोन को अटैच कर पाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर हमें मिल जाता है एक ट्राइपॉड, जिसके ऊपर हम टेलीस्कोप को माउंट करते हुए इससे हम टेलीस्कोप को स्टेबल करने वाले हैं। इसको भी साइड रखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हमें दो एक्सटेंशन बैरल मिलते हैं, जिसके मदद से हम टेलीस्कोप के जूम को कम या फिर ज्यादा कर सकते हैं। एंड यहाँ पर हमें एक व्यू फाइंडर मिलता है। ये बेसिकली एक तरीके का टेलीस्कोप ही है, जो कि हमारे मेन टेलीस्कोप के ऊपर लगेगा और ये एक व्यू फाइंडर की तरह काम करेगा। एंड ये हैंडल है ट्राइपॉड का। सो इस बॉक्स को भी साइड में रखते हैं। एंड लास्ट वाले बॉक्स में हमें यहाँ पर मिलता है सबसे पहले एक डायगोनल मिरर, जो कि इस टेलीस्कोप का ही एक पार्ट है। यहाँ पर हमें दो आईपीस मिलता है, एक 20mm का आईपीस है, दूसरा 6mm का आईपीस है। इसको हम अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर हमें एक ब्लूटूथ शटर रिमोट दिया जाता है, जो कि हम अपने फोन के साथ कनेक्ट करते हुए ब्लूटूथ के जरिए वायरलेसली फोटो वीडियो कैप्चर कर सकते हैं। सो ये सारे एक्सेसरीज हमें मिले हैं बॉक्स के अंदर। ये सारे एक्सेसरीज देखकर आप कंफ्यूज मत होइएगा, इसको हम इजीली सेटअप कर लेंगे एंड अपना जो टेलीस्कोप है उसको तैयार कर लेंगे। इसको सेटअप करने का जो प्रोसेस है, इसके यूजर मैनुअल में अच्छे तरीके से नहीं दिया गया है, बट चिंता की बात नहीं है, मैं आपको इजीली ये सेटअप करके दिखाऊंगा। सेटअप करने के लिए जो भी सारे एक्सेसरीज मेरे को चाहिए, सभी मैंने यहाँ पर ले लिए हैं। सबसे पहले मैं इसके ट्राइपॉड को ले लूंगा एंड ट्राइपॉड को टेबल के ऊपर रख दूंगा। देन ये जो हमारा मेन यूनिट यानी कि जो टेलीस्कोप है, इसको मैं ट्राइपॉड के ऊपर माउंट कर दूंगा कुछ इस तरीके से। नीचे ये नॉब है, इसकी मदद से मैं इसको अच्छे तरीके से टाइट कर दूंगा। नाउ टेलीस्कोप हमारे ट्राइपॉड के ऊपर लग गया है। उसके बाद हमें ये दूसरा एक्सेसरी चाहिए, जो कि है एक डायगोनल मिरर। सो इसको हम यहाँ पर टेलीस्कोप के पीछे की तरफ अटैच कर देंगे कुछ इस तरीके से। उसके बाद हमें ये दो जो आईपीस मिलता है, उनमें से एक आईपीस ले लेना है। एक 6mm का आईपीस है, दूसरा 20mm का आईपीस है। तो मैं यहाँ पर 20mm के आईपीस को ले लूंगा एंड इसको इस डायगोनल मिरर के ऊपर कुछ इस तरीके से अटैच कर दूंगा। नाउ ये जो टेलीस्कोप है अभी रेडी है। अगर आप आंख के थ्रू चीजों को देखना चाहते हो, तो यहाँ पर आप अपनी आंख को डालेंगे एंड सामने की चीजों को आप इजीली देख पाओगे। बट अगर आप अपने फोन को अटैच करना चाहते हो, तो उसके लिए ये जो फोन माउंट आपको मिलता है बॉक्स के अंदर, इसको यहाँ पर आप इस आईपीस के ऊपर अटैच कर देंगे कुछ इस तरीके से। एंड देन आपका जो स्मार्टफोन है, उसको आप इस मोबाइल होल्डर के ऊपर अच्छी तरीके से अटैच करते हुए आपका जो मेन प्राइमरी कैमरा है, उसको यहाँ पर अच्छी तरीके से सेटअप कर लेंगे। ऑलराइट, अभी हमारा फोन लग चुका है एंड हमारा जो टेलीस्कोप है फोन के साथ रेडी हो चुका है फोटो वीडियो कैप्चर करने के लिए। टेस्ट करने से पहले टेलीस्कोप का बेसिक फंक्शंस मैं आपको समझा देता हूँ। टेलीस्कोप के ऊपर ये एक छोटा सा टेलीस्कोप है, जो कि बेसिकली व्यू फाइंडर की तरह काम करता है किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर टेलीस्कोप को पॉइंट करने के लिए। बिकॉज ये बहुत ज्यादा जूम करता है, तो इसके थ्रू सब्जेक्ट के ऊपर पॉइंट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करने के लिए यहाँ पर आपको एक रिंग मिलता है, जिसको घुमाते हुए आप सब्जेक्ट के ऊपर फोकस कर सकते हो। नाउ ये जो टेलीस्कोप है, इसको आप डिफरेंट जूम मोड में इस्तेमाल कर सकते हो। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप 6mm के आईपीस को लगा करके रखते हो, तो ये जो लेंस है, ये जो टेलीस्कोप है, ये 50x का बनता है। बट अगर आप आपको इसको सबसे ज्यादा जूम, मतलब कि हाईएस्ट जूम यानी कि 150x में इस्तेमाल करना है, तो उसके लिए आपको ये जो 3x का एक बैरल मिलता है, इसको इस जगह पर कनेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आपका जो टेलीस्कोप है वो 150x का बन पाएगा। नाउ सबसे पहले मैं इसको 50x पर टेस्ट करता हूँ, देखता हूँ 50x में इमेज का क्वालिटी कैसा आता है, उसके बाद हम 150x का इस्तेमाल करेंगे। फोन को टेलीस्कोप के ऊपर अटैच करने के बाद आप देखोगे कि कम्प्लीटली ब्लैक स्क्रीन में एक सर्किल के अंदर हमें सारी कुछ चीजें दिखाई दे रहा है। इसका फुल स्क्रीन प्रीव्यू लेने के लिए हमें फोन में यहाँ पर 3x जूम करने होंगे, उसके बाद सारे कुछ चीजों को हम फुल स्क्रीन में देख पाएंगे। ना ओबियसली 3x जूम करने पर आपके फोटो का क्वालिटी थोड़ा बहुत खराब होगा, बट यूजेबल क्वालिटी में आपको फोटो मिलेगा। आप देख सकते हो दूर वहां पर एक इलेक्ट्रिक पोस्ट है, उसके ऊपर हमने फोकस करके रखे है। जो पोस्ट है उसको तो हम देख सकते हैं, बट उसमें वायर्स वगैरह जो है उसको हम यहाँ से क्लियरली नहीं देख सकते हैं।
बट आप देख सकते हो लेंस के थ्रू जो पिक्चर हमें मिल रहा है वहाँ पर क्लियरली विजिबल है, जो भी वायर्स वगैरह वहाँ पर है वो सभी यहाँ पर क्लियरली विजिबल है ना। अगर पिक्चर के ऊपर आप फोकस नहीं कर पा रहे हो तो ये जो फोकस रिंग है इसको रोटेट करते हुए आप पिक्चर के ऊपर प्रॉपरली फोकस कर लेंगे तो आपको काफ़ी क्लियर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आप देख सकते हो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट ये दिख रहा है। मैं कुछ फोटो क्लिक कर लेता हूँ इसका। ये एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है तो इसके थ्रू एस्ट्रोनॉमी को देखने की ख्वाहिश तो आप में जरूर होंगे। चांद को देखने की ख्वाहिश हम में थे तो यहाँ पर फोन में हमने टेलीस्कोप को लगाकर छत के ऊपर इसको हमने सेटअप करी है। हालांकि फुल मून स्काई में नहीं है, हाफ मून है, मूनलाइट वाला मून है, बट उसके ऊपर हमने प्रॉपरली फोकस करी है। थोड़ा मुश्किल जरूर है फोकस करना बट हमने कर लिए है एंड कुछ इस तरीके का आउटपुट हमें देखने को मिल रहा है। इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, टेलीस्कोप का 150x जूम यूजलेस है। 150x जूम के थ्रू आपको ना ही प्रॉपर क्लियरिटी मिलेगा ना ही प्रॉपर फोकस मिलेगा। जो भी सारे फोटो वीडियो आपने देखे सभी मैंने 50x से शूट करी थी तो 50x से आपको काफी बेटर फोटो वीडियो मिलता है। नंबर टू, इस टेलीस्कोप के थ्रू अगर आप फोटो शूट कर रहे हो तो मेक श्योर कि आपका जो सब्जेक्ट है बहुत ज्यादा दूर ना रहे। अगर बहुत ज्यादा दूर रहेगा तो फोटो में डिस्टॉर्शन आएगा और क्लियरिटी भी आपको कम मिलेगा। अगर आपका सब्जेक्ट क्लोज रेंज में होगा तो उसके ऊपर आप प्रॉपरली फोकस करके उसका बेस्ट शार्पनेस अचीव कर सकते हो और बैकग्राउंड ब्लर भी आप अचीव कर सकते हो। एंड ऑलवेज मेक श्योर कि आपका जो सब्जेक्ट है फ्रेम के बीचों बीच हो, इससे आपको बेटर क्लियरिटी मिलेगा। बाय द वे, प्रोडक्ट का परचेस लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप इस प्रोडक्ट को परचेस कर सकते हो। बट अगर आप फोटोग्राफी पर्पस के लिए लाइक पोर्ट्रेट फोटोग्राफी, बर्ड फोटोग्राफी या फिर मून फोटोग्राफी के लिए इसको लेना चाहते हो तो मत खरीदना, ये बहुत खराब क्वालिटी में फोटो वीडियो कैप्चर करता है। पर अगर आपको दूर की चीजों को देखने का शौक है, आप बस दूर की चीजों को देखना चाहते हो एज अ मेमोरी, एज अ प्रूफ, आप उसको कैप्चर करके रखना चाहते हो, देन डेफिनेटली आप इस टेलीस्कोप को परचेस कर सकते हो। जो प्राइस है इसका, उस प्राइस में काफी अच्छा खासा प्रोडक्ट आपको मिल जाता है। अगेन लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया होगा। बट ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा तो वीडियो को लाइक शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।